बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार शहीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप कब से सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक कल्ट का नाम है, और कल्ट आप जानते हैं फिरके को कहते हैं, और फिरका परस्ती पूरी दुनिया में आम है। दुनिया में बेशुमार कल्ट गुजरे हैं, और ये कल्ट की तारीख बड़ी अजीब है कि जब आप कल्ट का जो सरबराह होता है, सरगना होता है, जिसकी सब फॉलोइंग करते हैं, जिसके सब फॉलोअर्स होते हैं, वैसे तो अगर कहा जाए तो शैतानी कल्ट भी है, शैतान की भी दुनिया में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फॉलोअर, ख्याल नहीं यकीन है, बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं शैतान के। लेकिन शैतान तो अभी भी मौजूद है, लेकिन ये जो कल्ट के जो लीडर्स होते हैं, इनकी अगर आप तारीख उठाकर देखें तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता है कि वो कल्ट लीडर्स जो हैं वो किस्सा पारीना या किस्सा माजी बन जाते हैं, और फिर वो कल्ट टूट फूट का शिकार हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है कि कल्ट का लीडर अब ना सिर्फ कल्ट टूट फूट का शिकार है, कल्ट का लीडर टूट फूट का शिकार है। और उसकी वजह यह है कि जब जो कल्ट का लीडर है कोई भी, वो जब खुद अंदर से शिकस्त व रेख का शिकार हो, अपनी कमज़ोरियां दिखाना शुरू कर दे, तो फिर वो जो उसके फॉलोअर्स हैं, ये एक फितरी बात है कि वो हिम्मत हार देते हैं। मैंने चंद रोज़ पहले आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मेरी एक PTI के सूबाई वज़ीर से बात मुलाकात हुई, तफसीलन गुफ्तगू हुई, देरीना नियाजमंदी है हम दोनों की, और बावजूद मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि अबरार भाई, मैंने कहा जी फरमाइए, कहते हैं जी कि बड़ा मसला है। मैंने कहा, कहते हैं जी कि पहली मरतबा आप यकीन कीजिए कि मेजर रैंक का बंदा भी हमें मुंह लगाने के लायक नहीं समझता, मेजर रैंक का। कहते हैं जी ये जितने आपसे बातें कर रहे हैं कि जी फलां ब्रिगेडियर मिला, फलां मेजर जनरल का फ़ोन आया, कहते हैं जी सब बकवास है। कहते हैं आई नो इट फर्स्ट हैंड, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि किसी मेजर को कॉल करें, सर्विंग मेजर को, जो ये जो ISI में होते हैं या MI में या कोई सर्वे, वो कहते हैं उसको पता चल जाए कि जी हम फलां पार्टीज हैं, वो कहता है जी कोई आपसे बात नहीं करता। वैसे तो एक्सेस भी नहीं होती आमतौर पर ये जो ISI के जो अफसरान हैं। तो बात ये है हुजूर, जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा था कि वो अब जब से इमरान खान को ये एहसास होना शुरू हुआ है, जी हाँ, कि अब मेरी बारी जो है वो आने वाली है, मिलिट्री ट्रायल मेरा होने वाला है। और आपको पता है ये 22 अगस्त से आगे जब उन्होंने जलसा मुलतवी या मनसूख किया तरनोल वाला, तो शादियाने बजाए गए, तालियां बजाई गई, जश्न मनाया गया, ओ खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए अब। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जेल में इमरान खान के ऊपर होने वाली सख्तियां, यानी सख्तियां आप यूं कहिए कि जो उनको अनड्यू फेवर्स दिए जा रहे थे वो फेवर्स वापस ले लिए गए, और अब उनकी मुलाकातें महदूद हो गई हैं। पहले उनके साथ वो जो दोस्त बन गए थे जेल का अमले के अहलकार या हुकाम मर्द व जन, तो अब उनको एक मरतबा वो सारा अमला तब्दील किया गया, फिर दूसरी मरतबा, अब ये तीसरा अमला जो है वहाँ पर तैनात है। उनके पास मुबैना तौर पर टेलीफोन की सहूलत थी, वो पूरी दुनिया में रबते में रहते थे, पूरी दुनिया से रबते में रहते थे सारी रात, और अब वो सहूलत भी वापस हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा, उसका एक प्रॉपर तरीका कार है, जो आर्मी एक्ट के तहत आप या जितने भी लोग सिविलियंस जो हैं वो जब गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है पहला जो है वो सिविल अदालत में दायर किया, मुकदमा जो है वो आम सिविल उसमें FIR कटवाई जाती है, और उस सिविल अदालत में या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो उस एरिया का कमांडिंग ऑफिसर जो कि कर्नल रैंक का होता है, वो उस सेशन जज से या एडिशनल सेशन जज से ये
दरख्वास्त करता है उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं कि जी ये मुलज़म हमें मतलूब है, इसके खिलाफ ये 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 चार्जेस हैं और ये उसके शवाहद हैं, वो जज के सामने वो शवाहद रखता है, फिर जज उनकी कस्टडी दे देता है उन मुलज़मान की फौज को, तो फिर फौज की तहवील में जाते हैं। इसका बाकायदा एक कानूनी तरीकाकार है, ऐसा नहीं है कि फौजी इमरान खान को जेल से उठाएंगे और अपनी किसी बैरक में या सेफ हाउस में ले जाएंगे या किसी इंटरोगेशन सेंटर में ले जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये जो 9 मई के वाकयात में लाहौर से जितने भी मुलजमान गिरफ्तार हुए या गुजरांवाला से या दीगर जगहों से, उनकी जो कस्टडी ली गई वो बाकायदा अदालत से ली गई, अदालत में कमांडिंग ऑफिसर पेश हुए, उन्होंने सबूत चार्जेस बताए और सबूत फराहम किए और जज ने जो है वो उनको फौज के हवाले कर दिया, जो कि आज दिन तक फौज के पास हैं, सिवाय उनके 20-25 या 23 लोग जिनकी सजा पूरी हो गई थी, जिनको 2-4 महीने की सजा सुनाई गई या जिनकी सजाएं कम थी उनको माफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर। तो अब इमरान खान की जानिब से कोई अजीज भंडारी एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कबल अज़ वक्त हाई कोर्ट में कि हुकूमत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि हुकूमत को इस बात से मना किया जाए, यानी हुकूमत को इमरान खान को फौज की तहवील में देने से रोकने का ऑर्डर जारी किया जाए। अब इसको मैं आसान अल्फाज में इसी तरह बयान कर सकता हूँ कि एक प्रोहिबिशन ऑर्डर आप कह लें, जो भी आप कह लें, पता नहीं कानूनी जबान में उसे क्या, सिंपल ये है कि दरख्वास्त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इमरान खान को फौजी तहवील में लेने की जो हुकूमती कोशिशें हैं उनको मुस्तरद किया जाए या उसकी इजाज़त ना दी जाए। अब मुझे नहीं मालूम, ये कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि क्या अदालत कोई प्रीएम्प्टिव इस तरह की बात कर सकती है जबकि इस तरह की कोई मूव नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जब कोई शख्स फौज की तहवील में चला जाए तो फिर अदालत उसको नहीं छुड़ा सकती। अब पहले तो आपको अगर याद हो कि लाहौर में इस्लामाबाद में ब्लैंकेट किस्म की जमानतें दी जाती, यहाँ तक कि ऐसी जमानतें भी दी गई कि जिसमें जज साहिबान ने, डिवीजन बेंच ने यह कह दिया कि इमरान खान को मुस्तकबिल में भी किसी कोई इन पर केस बनता है तो उसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकबिल में अगर इमरान खान किसी को कत्ल कर देते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं करना है आपने, वो किसी जगह किसी को जो मर्जी कर दें, कोई दहशतगर्दी, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इस तरह की जमानतें माजी में दी जाती रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से थोक के हिसाब से, पिशावर हाई कोर्ट की जानब से थोक के हिसाब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से थोक के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से और बगैर पेशी के। ये भी एक हमारी अदालती तारीख का एक कारनामा है बगैर पेशी के। तो अब इमरान खान, ये आप ये सोच यू समझिए कि ये ऐसे कहते हैं लास्ट क्राई, लास्ट वेल, वेलिंग तो आप समझते हैं ना, वेल करना मीन्स बैन करना, क्राई मीन्स आओ फगां, वैसे क्राई रोने को भी कहते हैं, चीखना चिल्लाना कि ओए नहीं फौज के हवाले नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो, मैं मुतअद्दिद मरतबा इस बात का हवाला दे चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने से पहले हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि असल बात यह है कि जो जेल है वो एक साल के बाद इंसान को काटना शुरू करती है, और पहले जो VVIP सहूलियात मुयसर थी, सहूलतकारी मुयसर थी, टेलीफोन समेत, दीगर मामलात के समेत, मैसेजिंग, मैसेंजर्स, ये सारी सहूलतें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब इमरान खान को वो चीज़ नज़र आ रही है जिसको कहते हैं नविश्ता दीवार या राइटिंग ऑन द वॉल, ये वो उनको नज़र आ रही है। अब इमरान खान जानते हैं अच्छी तरह से, उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानती है, पार्टी में अंदरूनी लड़ाई, खलफशार, खींचा तानी, मारा कुटाई, गालम गलोच, ये सब कुछ जारी है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये कल्ट टूट रहा है। देखें 30 अगस्त को यही कॉल दी गई थी ना कि तलबा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई कि तलबा निकलेंगे 30 अगस्त को, अडयाला का घेराव करेंगे, लाखों की तादाद में आएंगे और खान को छुड़ा कर ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में तलबा ने इनकलाब बर्पा किया। लेकिन ये सारे वॉरियर हैं, ये अपना मोबाइल हाथ में लिया,
उस पर ये अपना उस पर खेलते रहे, मोबाइल पर लोगों की माँ बहन एक कर दें, लैपटॉप पड़ा हुआ है उस पर ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, निकलें अपने अपने जो डेन हैं, जो लेयर्स हैं, या जो आपके जो भी हैं, वहाँ से सेफ हाउसेस से, अपने घरों से निकलें। ये क्या कि आप जनाब, वो तो सारे रोबोट्स हैं, नेमलेस फेसलेस लोग हैं, लोगों की माँ बहन एक करते हैं, आगे रोबोट लगे हुए हैं, बॉट जिन्हें हम कहते हैं, वो आगे से उसको मल्टीप्लाई करके हजारों लाखों में उसके फैला देते हैं। लोग समझते हैं जी बड़े इसके व्यूज हैं, वो सारे रोबोटिक काम हो रहा है। अगर इतने फॉलोअर्स, मैं कहता हूं उसका 1/10 जो इमरान खान के पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1/10 जो है वो बाहर निकल आए, तो किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है इमरान खान को। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद इस वीडियो को मैं इसका इख्तिताम करूंगा। तकरीबन काफ़ी 12-15 साल पहले की बात है, जो लोग मानसेरा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शिद्दत पसंद है, उसका मजहबी जहादी तंजीमों से ताल्लुक़ है। कुछ लोग कहते थे ये तालिबान का बंदा है, कुछ लोग कहते थे ये हिजबुल मुजाहिदीन का है, कुछ कहते थे हिजबुल अंसार का है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुईउद्दीन मुजाहिद, नौजवान था उस वक्त। तो उसको एक मरतबा किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, तो जिस दिन उसको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाना था, तो आप यकीन कीजिए कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार लोग लाहौर अपना मानसेरा में अदालत के बाहर जमा हो गए, और जज को अंडर प्रेशर उन्होंने कहा कि इसको अगर जमानत ना दी गई, इसको डिस्चार्ज ना किया गया इस केस से, यानी फारिग ना किया गया, इसको बरी ना किया गया, तो हम इस पूरी अदालतों को आग लगा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। जो लोग इस हज़ारे से मानसेरा से वाकिफ़ हैं वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि ऐसा हुआ है, एक मरतबा नहीं दो मरतबा हुआ। तो मुईउद्दीन मुजाहिद को आखिर में जज साहब को छोड़ना पड़ा कि जाओ भाई। तो अगर इमरान खान की रिहाई के लिए 5-10 लाख बंदा अगर इकट्ठा हो जाता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो कौन रोक सकता है, इन पर कोई गोली चला सकता है, कोई आंसू गैस की शेलिंग कर सकता है। अब देखें मुट्ठी भर लोग आते हैं 4-5, फिर मैं बात यही कर रहा हूँ कि मैं इंस्टिगेट नहीं कर रहा, इंसाइट नहीं कर रहा, मैं तरगीब नहीं दे रहा, लेकिन अगर आज 2-4 लाख बंदा निकल आए सिर्फ जुड़वा शहरों में, तो किसकी मजाल है। लेकिन बात वही है कि ये कल्ट फॉलोइंग है, ये घरों में बैठकर हम लोगों की माँ बहनों को गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन जब सड़क पर आके एहतजाज करना, धरनों में ये ज़रूर चले जाएंगे कि वहाँ पे याशी होती है, अल्लाह गुल्ला नाच गाना, रात को तरह तरह की मखलूक आती है, वो 2014 के धरने हमें याद हैं, क्या कुछ नहीं हुआ हमने। लेकिन ये है कि कल्ट इज़ ब्रेकिंग डाउन, डाइंग डाउन, एंड द कल्ट लीडर इज़ शैटर्ड फ्रॉम विद इन, अंदर से टूट फूट का शिकार है। अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे, हम पर भी रहम करे, इस मुल्क पर भी रहम करे, अल्लाह ताला उनकी लफ्जें माफ़ करे, लेकिन जब तक वो फौज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक उनकी जान खलासी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।